फो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Realme 3 Pro के डिवाइस में जिनको अभी भी Realme UI का लेटेस्ट भी 5.0 फेम विद जुलाई सिक्योरिटी पैच का अपडेट फाइनली उनके डिवाइस में रिव्यू नहीं हुआ, उनके फोन में लास्ट ये अपडेट कब तक मिलने वाला है। एंड साथ में बात करने वाले भाई अगस्त का सिक्योरिटी पैच वाला अपडेट हमारे फोन में कब तक मिलेगा, क्या क्या फीचर के साथ मिलने वाला है। एंड यार मैं भी उन्हीं सब यूजर्स में हूँ जिनको अभी तक 5.0 फेम वाला अपडेट नहीं मिला है। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। एंड अभी तक आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट फिर न्यूज सबसे पहले मिलते रहे। फो फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनके फोन में 5.0 फोन वाला अपडेट आया नहीं, उनके फोन में ये अपडेट कब तक अवेलेबल होने वाला है। तो दोस्तों आपको ये अपडेट विद इन 3 to 4 days के अंदर आपके फोन में अवेलेबल हो जाएगा। OTA के थ्रू एंड मैनुअल लिंक तो अवेलेबल हो चुका है, आपको पता होगा, जहां पे आपने फोन में मैनुअल तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों बात आ जाती है भाई हमारे फोन में अगस्त वाला अपडेट कब तक आने वाला है एंड क्या क्या फीचर के साथ आने वाला है। तो दोस्तों अगस्त वाला अपडेट आपको पता होगा, अभी रियलमी के सीईओ माधव फेट जी ने ट्वीट किया था ट्विटर पे एंड उसमें बताया थे भाई हमारे रियलमी के स्मार्टफोन में वो अभी भी चाइनीज ऐप रन कर रहे हैं जो कि हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बैन करके रखे हैं इंडिया में। तो दोस्तों अगस्त के सिक्योरिटी पैच के साथ आपके फोन में वो सभी चाइनीज ऐप रिमूव कर दिए जाने वाले। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको अगस्त 2020 का सिक्योरिटी पैच मिल जाने वाला है एंड सेकेंड नंबर पे आपको गेम स्पेस में ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलने वाला है। थर्ड फीचर के बारे में बात करें तो हमारे कलर वाइज के साथ जो भी थीम स्टोर अवेलेबल किया गया था इसका न्यू वाला वर्जन आने वाला है, मतलब 7.1.1। तो इसके साथ ही आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, ये कुछ लेक्स निकल के आ रहे हैं रियलमी की तरफ। एंड आपको लास्ट वाला अपडेट जो रहता है भाई यही वाला आपको दिखा दें, यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद यहाँ पर फर्म नोन बग्स इश्यू वाला जो प्रॉब्लम घाचा पाचा होता है वो सब हमारे फोन पे हटा दिया जाने वाला है, मतलब इम्प्रूव कर दिया जाना, मतलब हमारे फोन की जो सिस्टम स्टेबिलिटी होती है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। एंड यहाँ पर यार नो नेटवर्क कनेक्शन वाली प्रॉब्लम कभी कभी देखने को मिल जाती है रियलमी के डिवाइसों में, जैसे कि आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं मेरा डाटा यहाँ पे चालू डिटेक्टिंग कर रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट नो नेटवर्क कनेक्शन फो कर देता है कभी कभी एंड डायरेक्ट कभी कभी लोड करके दिखा देता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर फीचर पे टाइप करने के बाद आपको एट लास्ट यहाँ पर कुछ जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, देख लीजिए यहाँ पर फीचर पे टाइप करने के बाद नो नेटवर्क कनेक्शन फो कर रहा है। तो दोस्तों ये सब बातें रही Realme 3 Pro के रिगार्डिंग जो कि अगस्त एंड जुलाई के अपडेट के रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर कर देना, जिससे इन्फॉर्मेशन और भी यूजर के पास पहुंच सके। सो फ्रेंड दैट्स इट एंड यार बहुत सारा थैंक्स। एंड जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग मैंने बताया था, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स की न्यूज मिलते रहे। सो फ्रेंड दैट्स इट एंड यार बहुत सारा थैंक्स।